सविता की दोनों बहुएं सुलोचना और रमा आपस में बहुत लड़ती रहती थी। इस कारण घर का माहौल सुबह से ही खराब हो जाता था। रमा, जब तुम्हें पता था कि मुझे पिंकी और बंटी की स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए बाजार जाना है तो तुम कल रात को छोले भिगो कर रख सकती थी। मुझे बाजार से आने में देर हो गई। तुम्हें पता था आज इतवार की छुट्टी है, इसलिए सुबह सुबह छोले भटूरे ही बनेंगे। पर अब क्या बनाए नाश्ते में? हरीश और बच्चों का भटूरे छोले खाने का बहुत मन था, पर आज तुम्हारी गलती के कारण सुबह सुबह नाश्ते में भटूरे छोले नहीं बनेंगे। मैंने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ है कि आपकी नौकरी करती फिरूं। मुझे भी पूजा और राजू का होमवर्क करवाना था। मैं उन्हें स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी छोटी छोटी चीजें याद रखूं। और हाँ, मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका दिया नहीं खाती हूँ। मेरा पति भी बराबर का काम करता है, इसलिए खुद भी इन चीजों का ध्यान रखना शुरू करो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। मैं रोज रोज इस कलेश में नहीं रह सकती। हरीश, जल्दी से बाहर आओ। हाँ हाँ मनीष, तुम भी बाहर आओ। अब बस फैसला हो ही जाए। हरीश और मनीष दोनों बाहर आते हैं। सविता मंदिर गई हुई थी, इतनी देर में वो भी मंदिर से आ जाती है। बस बहुत हो गया, अब इस आंगन में दीवार खड़ी होगी। हाँ हाँ, मुझे भी इनके साथ नहीं रहना मनीष। अगर आज के आज इस आंगन में दीवार खड़ी नहीं हुई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। लगता है ये दोनों नहीं मानेंगी। अब हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। रोजाना की लड़ाई से मैं भी तंग आ चुका हूँ, और मुझे पता है रमा लड़ाई से बाज नहीं आएगी। आपका कहने का क्या मतलब है भैया? खाली रमा की गलती है? सुलोचना भाभी भी तो कम नहीं है, वो भी तो कितना लड़ती है रमा के साथ। अब तो मैं भी यही कहूंगा कि दीवार खींचनी ही चाहिए। सुनो जी, जरा इधर आना। मैं कह रही थी अगर बंटवारा हो ही रहा है तो सासू माँ का भी बंटवारा करने में देर नहीं लगाते। पता चले सासू माँ हमारे साथ रहने के लिए आ जाए और ये दोनों आराम से रहे, सासू माँ का भी तो खर्चा होगा। रुको, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात करती हूँ। अगर घर का बंटवारा हो रहा है तो माँ जी का भी बंटवारा होगा। हाँ तो ठीक है, हम सासू माँ का भी बंटवारा कर लेते हैं। ये क्या कह रही हो बहू, मुझे तो अपने दोनों बच्चों के साथ रहना है, और तुम दोनों क्यों अलग होने की बात कर रही हो? माँ जी ठीक ही तो है, घर का बंटवारा होगा तो आपका भी बंटवारा होगा। मैं अकेली पागल नहीं हूँ जो आपको रख लूंगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कुछ दिन माँ को तुम अपने पास रखो, कुछ दिन वो हमारे पास रहेंगी। ऐसे हम दोनों को दिक्कत नहीं होगी, क्यों हरीश भैया? अब हाँ ठीक है, फिर ये ठीक रहेगा। मम्मी, मुझे पूजा के साथ खेलना है। मम्मी, मुझे भी पिंकी के साथ खेलना है। मम्मी, मुझे भी राजू के साथ बैट बॉल खेलना है। मम्मी मम्मी सुनो, मुझे बंटी के साथ खेलना है। अब तुम सब एक साथ कभी नहीं खेलोगे, चलो घर के उस हिस्से में जाकर खेलो। सुनो जी, दीवार बनाने वाले को बुला लो, आज इस घर का बंटवारा हो ही जाएगा। सविता की आंखों में आंसू छलक रहे थे, चारों बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। आज घर परिवार के बंटवारे के साथ साथ सास का भी बंटवारा हो गया था। सविता कुछ दिन सुलोचना के साथ रहती तो कुछ दिन रमा के साथ। सुलोचना और रमा सविता के साथ बहुत अत्याचार करती थी। देखो माँ जी, रमा के घर में आप जैसे मर्जी रहती हो, पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अपने बर्तन और कपड़े खुद ही धोया करो। मेरी नौकरानी ने पहले ही मना कर दिया है कि वो इतने लोगों का काम नहीं करेगी। पता चला आपके बर्तन और कपड़ों के कारण मेरी काम वाली चली गई तो मेरे ऊपर तो मुसीबत आ जाएगी ना। कोई बात नहीं बहू, मैं अपने बर्तन और कपड़े धो लिया करूंगी, तुम परेशान मत हो। यहां आपको रहते एक महीना बीत चुका है, कल आपने रमा के घर जाना है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर भी उठाकर रख दो। पता नहीं एक मुसीबत कम है जो एक और मुसीबत को हमें संभालना पड़ रहा है। दादी माँ, लाओ मैं आपके साथ बर्तन धुलवा देती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू अभी बहुत छोटी है, मैं अपने बर्तन खुद धो लूंगी। पिंकी पिंकी, इधर देख, यहाँ दीवार की छेद में। पूजा, अरे तू तो यहाँ से मुझे पूरी दिखाई दे रही है। पता है मेरे को अकेले खेलने का मन ही नहीं करता, मुझे तेरी बहुत याद आती है। ये देख, पापा मेरे लिए नई गुड़िया लाए हैं। हाँ, मेरा भी अकेले खेलने का मन नहीं करता, हम दोनों साथ में कितने मजे करते थे, पर मम्मी मेरे को तेरे से बात भी नहीं करने देती। पिंकी पूजा, तुम दोनों ऐसे बात मत करो, नहीं तो मम्मी डांट लगाएगी। बंटी, कितने दिन से हम दोनों ने बैट बॉल नहीं खेला, मुझे तेरे साथ बैट बॉल खेलना है बंटी। इन दोनों बहुओं की लड़ाई में मासूम बच्चे कितना दुख झेल रहे हैं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अगले दिन सविता रमा के घर रहने जाती है। आ गई मुसीबत, बड़ी जल्दी इस बार एक महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। जाओ जाकर कपड़े पड़े हैं उन्हें धो लो। रमा सास को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती और आते ही कपड़े धोने के लिए लगा देती है। सविता मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी थी।
इस तरह दोनों बहुओं ने उसका बंटवारा कर दिया था। इधर उधर रहते रहते वो बहुत तंग आ गई थी। एक दिन सविता ने सोच लिया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। सब लोग सो रहे थे और सविता घर छोड़कर निकल पड़ी, पर चारों बच्चे भी घर से गायब थे। सब तरफ ढूंढने पर भी बच्चे कहीं नहीं दिखाई दिए। अचानक सुलोचना की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सविता पर पड़ी। माँ जी, बच्चे कहाँ हैं? हम आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं, बताइए बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? वो तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो अकेली ही घर छोड़कर निकली थी। बच्चे कहाँ चले गए? हे भगवान, अगर बच्चे माँ जी के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है? एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। तुम सब घबराओ नहीं, चलो मनीष, हम उधर ढूंढते हैं। ठीक है भैया। सब लोग घबरा जाते हैं, बच्चों का कहीं पता नहीं था। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक पार्क में बच्चे दिखाई दे जाते हैं, पर उन बच्चों की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा, दीवार के उस तरफ वाला घर तुम्हारा है और दीवार के इस तरफ वाला घर मेरा है। पिंकी, मेरा भी घर इधर है और तुम्हारा उस तरफ। अब तुम मेरे घर में बिल्कुल मत आना। हाँ बंटी, मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी और तुम भी मेरे घर मत आना। अब हम सबके घर में बंटवारा हो गया है। फिर एक परेशानी है, अगर हम सबने बंटवारा कर लिया है तो मम्मी पापा का भी तो बंटवारा होगा। एक काम करते हैं, मैं मम्मी को रख लूंगा, पिंकी तुम पापा को रख लेना। हाँ, ऐसे ही मैं मम्मी को रख लूंगा और पूजा पापा तुम्हारे साथ रह लेंगे। पर मैं दादी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। नहीं दादी, मेरे पिंकी के साथ रहेगी, हम दादी का बंटवारा नहीं करेंगे। दादी के पीछे चारों बच्चे लड़ने लगते हैं। सुलोचना और रमा की आंखें खुल जाती हैं। आज बच्चे अपने माता पिता का तो बंटवारा कर रहे थे, पर अपनी दादी का नहीं। आज हमने ही अपने बच्चों को ऐसी सीख दी है, तभी हमारे बच्चे आपस में इतने छोटे होकर बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हो भाभी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब इसका एक ही उपाय है कि हम फिर से एक हो जाएं, तभी हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। मनीष मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने भाई से अपने आप को अलग कर दिया। भैया। चलिए माँ जी, अपने घर चलिए। बच्चे जब देखते हैं कि उनके माता पिता फिर से एक हो गए हैं, तो बच्चे भी अपने दिमाग से बंटवारे की बात हटा देते हैं और फिर से एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। अपने परिवार को फिर से एकजुट होता देख सविता की आंखों में शांति और सुकून था, और आंखों में खुशी के आंसू थे। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो बहुत बढ़िया हुआ, कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ, पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है, मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो,
उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम, यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है, हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहां रहने से माँ को भी सहारा रहेगा, वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं, शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है, मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा, वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो, कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं, पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है, कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गाँव वाले भी क्या समझाते, पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, ना उसे नहलाती धुलाती थी और ना ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकौड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है, मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।
और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।